हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2022 का Tier 1 का एग्ज़ाम दिया था, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे Tier 1 की आपकी आंसर की आ गई है, सो दैट आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर पाएँ, अकॉर्डिंगली आगे एक्शन ले पाएँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे चलते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, और ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है इसको भी आपको प्रेस करना है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस हो, कोई भी वीडियो मिस हो, अदरवाइज कोई भी वीडियो मिस हो सकती है, तो इसको जरूर प्रेस कर लेना ताकि सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलो अब देख लेते हैं, आपको एक लिंक दिखाई देगा, ठीक है? उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, पहले जब हम क्लिक कर रहे थे तो पहले ये मैसेज वहां पर डिस्प्ले हो रहा था कि ये आपका 17 तारीख को ओपन होगा 4 बजे। 4 बज चुके हैं तो अभी ओपन हो चुका है, कैंडिडेट्स अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं, और ये 20 तारीख तक ही वैलिड रहेगा 5 बजे तक। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने Tier 1 का एग्जाम दिया था, आप अभी के अभी क्लिक करो उस लिंक पर और अपने आंसर की चेक करो। अब जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपका लॉगिन पेज आएगा, यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो। रोल नंबर आपको डालना है और पासवर्ड आपको डालना है, ये दोनों ही चीजें आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है। जो जो मेंशन है आपको करेक्टली कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये सब देख के आप तब डालना है, इस पर एंटर करना और लॉगिन करना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके आंसर की वहां पर आ जाएगी आपके सामने, और बहुत से स्टूडेंट्स अपनी आंसर की चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी मैं आपको सारे स्टेप्स बता रही हूँ। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ एक एक स्टेप को फॉलो करना है और आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको ये विंडो ओपन दिखाई देगी, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड डालना है और फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ओपन होगा, इसे आप बॉक्स को क्लोज कर देंगे और फिर आप यहाँ पर Ctrl+U करेंगे, Ctrl+U। जैसे ही आप ये करेंगे इस टाइप से विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आपको इसको रिफ्रेश करना है, कंटिन्यू करेंगे, आपके पास ये स्क्रिप्ट आ जाएगी। अब स्क्रिप्ट पर आपको Ctrl+F करना है क्योंकि हमें इसमें सर्च करना है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे SSC.DIGI, ये आपके पास लिंक आ जाएगी और इस लिंक को आपको कॉपी पेस्ट करना है। पहले आप कॉपी करेंगे HTTPS से, HTTPS से पूरा ये लिंक यहाँ पे आप कॉपी करेंगे, .html तक आपको कॉपी करना है। सेलेक्ट कर लिया हमने, Ctrl+C कर दिया और न्यू विंडो में जाकर आप Ctrl+V कर देंगे, तो ये आपकी आंसर की आपको मिल गई। पूरे स्टेप्स फॉलो करने हैं, पहले लिंक पे जाना है आपको, उसके बाद आपको लॉगिन करना है, उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको Ctrl+U करना है, फिर रीलोड करना है, फिर सर्च करना है SSC.DIGI, लिंक को कॉपी करना है, यहाँ से पेस्ट करना है और ये आपकी आंसर की आ गई। यहाँ से आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। ऑल्सो चैलेंज सिस्टम भी ओपन हो गया है। इसमें क्या है कि अगर आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपने करेक्ट आंसर मार्क किया था पर SSC ने आपका वो गलत कर दिया, या फिर मान लीजिए आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में ही कोई मिस्टेक थी, है ना, तो उन सब के लिए अगर आपको रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना है तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो चैलेंज सिस्टम, ठीक है, मॉड्यूल फॉर कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स, करेक्ट आंसर एंड सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इफ एनी। एग्जाम का नेम हम बात करें तो CGL Tier 1 2022 यही आएगा, आप सबमिट करोगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कौन से क्वेश्चन के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन डालना है, उसकी एक सर्टेन फी होगी, वो आपको सब पे करनी है एंड आपका रिप्रेजेंटेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको पहले लॉगिन करना है, आपकी आंसर की आपको दिख जाएगी और वहाँ से अच्छे से आप मार्क्स कैलकुलेट करना, जो जो आपके करेक्ट हैं, ठीक है, उनको आप पॉजिटिव में मार्क करना और जो जो आपके रॉन्ग हैं उनको नेगेटिव मार्किंग भी आप इंक्लूड करना, उसके बाद अपने मार्क्स कैलकुलेट करना और अपने मार्क्स से आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, एक कट ऑफ हम रफ एस्टिमेट कर सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इस प्री को क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको भी पता है इस बार का जो प्री है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं होंगे, मेंस के मार्क्स ऐड होंगे, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि ये आप क्वालिफाई कर जाओगे, थोड़ी सी भी अगर उम्मीद लग रही है ना, तो मैं आपको बोलूंगी बिल्कुल चांस नहीं लेना है, मेंस की तैयारी में जुट जाओ। यू नेवर नो, मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं होगा और आपने तैयारी छोड़ दी और आपका बाई चांस सिलेक्शन हो गया, तो अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया लग रहा है कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो मेंस की तैयारी में जुट जाओ, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो अभी की अभी, है ना, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, आंसर की आते ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो देख मार्क्स देखते ही। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेस्ट प्लेटफॉर्म है तैयारी के लिए अनअकैडमी प्लस, यहाँ पर इस टाइम आपको काफी सारे बैचेस मिल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन का संकल्प हो गया, जो लोग CHSL को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हो गया,
सीजीएल 22 में से, जो कि आपके लिए है, ये ब्रह्मास्त्र बैच आपके लिए है, विजेता बैच आपके लिए है, प्रतियोगिता मंत्रा की फुल टीम आपके लिए मेंस को टारगेट करते हुए बैच लेके आई है, जो कि है मेंस स्पेशल बैच फॉर एसएससी सीजीएल 2022-23। ये बिल्कुल ही न्यू एग्जाम पैटर्न पर है और न्यू सिलेबस पर है। यहाँ पर आपका सब कुछ कवर कराया जाएगा, मैथ्स आपके निखिल सर, रीजनिंग, करंट अफेयर शुभम सर, राहुल रवर सर, जनरल अवेयरनेस, ऊषा मैम, इंग्लिश, सबका सब आपका कवर कराया जाएगा। 15 दिसंबर से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। यहाँ पे आपको सारे के सारे रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो एनरोल कर लो। और अगर आपने एनरोल अभी तक नहीं किया है और आप प्लस पर नहीं आए हो, ध्यान रखना कोड आपको यूज करना है PMYT, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी प्लस बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको सब कुछ एक ही जगह मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, नोट्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, ऑस्कर डाउट फीचर भी मिल जाएगा। इनकेस आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पर्सनली एजुकेटर से ऑस्कर डाउट के जरिए पूछ सकते हो, आपका फुल वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पे उस क्वेश्चन की मिल जाएगी। तो बिल्कुल देरी नहीं करनी है, अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, PMYT लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, भूलना मत। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तब भी आप PMYT लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो आपका कोड है PMYT, ये हर कैटेगरी पर वैलिड है, चाहे वो UPSC हो गया, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PSC एग्जाम, UGC नेट, IIT, JEE, नीट, कोई सा भी एग्जाम हो गया, अनलिमिटेड एक्सेल आपको एक बार मिल जाएगा जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, लाइव क्लासेस का, मॉक टेस्ट का, PDF का, डाउट सेशंस का, क्लास रिकॉर्डिंग्स का और सभी का। चलो सबसे पहले तो आप जितने भी बच्चों ने अपना आंसर की चेक कर ली होगी, उनको अगर लग रहा है कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे तो उनको मेरी मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी थमना नहीं है, अभी जोरों शोरों से तैयारी पर लग जाओ, मेन्स आपका पास ही है, ठीक है। और जिनके मार्क्स काफ़ी कम रह गए हैं, उनको लग रहा है उनका नहीं हो पाएगा, आपको भी निराश नहीं होना है, आपको भी तैयारी पर लगना है। अगले साल आपको फिर से एग्जाम देना है और फिर सीट पक्की करनी ही करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एग्जाम्स।